ना फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल, तभी तो नंबर वन है द एंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए। निकाय चुनाव आने में कुछ ही समय रह गया है, इसलिए आज हम आए हैं चंपा नगर गुजर की थड़ी। यहाँ पर जानेंगे, पूरी कॉलोनी का जायजा लेंगे कि किस तरह की यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं, लोगों को किस तरह का की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सड़कें तो ठीक बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे हर तरफ गंदगी पसरी हुई है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, और देख सकते हैं कितनी गंदगी है, बिल्कुल भी सफाई जरा सी भी नहीं है। गंदगी का आलम ये है कि हर तरफ पूरी सड़कें गंदी हुई पड़ी हैं, चप्पलें, कूड़ा करकट, छोटे छोटे रैपर, हर तरह की इतनी तरह की यहाँ पे गंदगियाँ देखने मिल रही हैं। और देख सकते हैं किस तरह से तारों का जंजाल भी यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है, और ये देखने में सिर्फ बिजली के तार कितना बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चे भी खेलते हैं, वाहन भी जाते हैं, घरों के ऊपर से तार निकल के आ रहे हैं, तो इससे काफी बड़ा हादसा भी हो सकता है। चलिए इस बारे में बात करेंगे हमारे साथ मौजूद चंपा नगर के कुछ लोगों से कि उनकी क्या क्या परेशानियां हैं। मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी क्या क्या परेशानियां हैं। मैं एक रोड कच्ची हूं मैं तरफ, और इधर कचरा वगैरह को झाड़ू वाड़ू निकालने वाले आते नहीं है यहाँ पे, और ये बिजली के तार वार सब मकानों के ऊपर से आ रहे, कभी भी कुछ भी हो सकता है, डर लगती है, ये एक समस्या है जी। आप क्या कहेंगी, आपको क्या क्या परेशानियां यहाँ पे फेस करनी पड़ती है? बस ये परेशानी है, कह रहे हैं जो परेशानी है, कचरा वचरा कोई झाड़ू काटने नहीं आते, कुछ क्या नहीं है हमारे को, कचरे की गाड़ी आती है, झाड़ू काटने वाले कोई नहीं आती है, सड़कों पर कुछ भी ऐसे ही पड़े। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में, क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या दिक्कत है आपको यहाँ पे? एक तो पानी की समस्या रहती है, दूसरा ये कि ये लाइट का जंजाल आप देख ही रहे हो, ठीक है, और दूसरी अपनी ये गंदगी है, यहाँ कोई सफाई करने नहीं आती, कचरे की गाड़ी है, कभी 8 बजे आ जाती है, कभी 10 बजे आती है, कभी 11 बजे आती है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कहने का मतलब ये कोई टाइम नहीं है। अब मान लो 12 बजे अगर गाड़ी आती है, तो बंदा 12 बजे थोड़ी ना नहा धो के कचरा डालेगा है, बस ये समस्या है। जो पार्षद हैं, कुछ सुविधाएं, क्या क्या सुविधा है आपके लिए? अभी तक तो उन्होंने एक बोरिंग किया है, बाकी कोई सुविधा नहीं की है अपने यहाँ चंपा नगर में। तो अब जैसे निकाय चुनाव आने में कुछ ही समय रह गया है, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी जो आपके नए पार्षद बनेंगे, उनसे क्या कुछ चाहेंगे कि कैसे आपकी किन किन समस्याओं का निवारण? एक तो पानी का, दूसरा अपने सफाई का, और ये लाइट का भी अगर कर दे तो अच्छी बात है। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर कितनी गंदगी है, और यहाँ पे मौजूद हमारे साथ और लोग भी हैं, इनसे जानेंगे। मैडम, यहाँ पे आगे जाके पहले आप देखिए कचरा कितना फैला हुआ है, कचरे की सबसे ज़्यादा समस्या है यहाँ पे, और लोग खुलेआम यहाँ पे सोच करते हैं, उनको मना करते हैं, कितने को मना करेंगे बताइए आप, एक बार आप खुद आगे जाके देखिए। कचरे की गाड़ी टाइम से नहीं आती, टाइम से ही नहीं आती मैडम, कभी कभी आती है 2-4 दिनों में। पहली बात तो मैम, ये तो सरकार तो देखेंगे पर हम लोगों को खुद को भी देखना चाहिए साफ सफाई के लिए, इंसान जितने यहाँ पे लोग रहते हैं वो खुद भी इस चीज़ के लिए वो है, जिम्मेदार है। और बाकी मैम, आप आगे जाके देखिए, वहाँ पे अभी भी लोग सोच कर रहे होंगे। तो अब जो आप निकाय चुनाव आने में ही है, नया जो पार्षद बनेगा, उनसे क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, किन किन समस्याओं का आपका निवारण? सबसे पहले तो मैम यही है, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, इसी तरीके से मैम पहले हमारा ये चंपा नगर वो भी साफ सफाई होनी चाहिए, अभी आप देखिए गाँव में भी इतनी साफ सफाई चल रही है, तो हमारी कॉलोनी भी तो होनी चाहिए, और पानी और यही बिजली वाली समस्या आप देखिए तार के कैसे। बिल्कुल, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से तारों का पूरा जंजाल देखने मिल रहा है, घरों के ऊपर से तार आ रहे हैं, किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, बच्चे भी खेलते हैं, वाहन भी यहाँ से निकलते हैं, और घरों के स्पेशली घरों के ऊपर से ये वायर निकल के आ रहे हैं, कितना हर तरफ कितना जंजाल है, बिजली के तार हैं, और किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे गंदगी है, रोड पर गड्ढे हैं, मिट्टी पड़ी हुई है, सफाई का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पर, देखिए किस तरह से यहाँ पर गड्ढे भी हैं, कचरा है, मिट्टी पड़ी हुई है, और लोगों ने हमें बताया कि कचरे की गाड़ी 2-2, 3-3 दिन तक नहीं आती है, सही समय पर नहीं आती है। एक कुआं खुला पड़ा है, कुएं को पैक करवा दो, उसको कंप्लीट करवा दो, रोड अच्छी निकलवा दो, अच्छी लगे, ये खुला पड़ा, कभी बच्चा गिर सकता है, कोई भी गिर सकता है, थोड़ा इनका भी सही करवाओ, ये चाहते हैं।
देखिए किस तरह से यहाँ पे बिल्कुल सड़कें क्षतिग्रस्त हुई पड़ी हैं, सफाई का कोई नामो निशान नहीं है और आगे भी हम अभी देखेंगे किस तरह से यहाँ पे गंदगी, चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। और देखिए ये यहाँ पे बताया कि पार्क का निर्माण चल रहा है, पार्क का काम बहुत सालों से ये पार्क बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन देखिए किस तरह का, कितनी गंदगी है और ये पार्क कम पार्किंग ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, जिस तरह से गाड़ियां खड़ी हुई हैं आप गंदगी का आलम देख सकते हैं इस तरफ, कितनी गंदगी है, कितना कचरा है, कितना कूड़ा है। यहाँ पर बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हैं इस पार्क में, स्पेशली बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए पार्क बनाए जाते हैं। बट इसकी हालत देखने के बाद कहीं भी ये तो लगता नहीं है कि यहाँ पर बच्चे खेलने आएंगे या बुजुर्ग टहलने आएंगे। देखिए यहाँ पे किस तरह से गंदगी है चारों तरफ। तो जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से कितनी गंदगी है यहाँ पर, नगर पालिका या जो नगर पालिका की कचरे वाली गाड़ी आती है कोई भी टाइम से नहीं आता है कचरा उठाने के लिए, और ना ही सड़कों पे जैसे कितने गड्ढे देखने को मिले हैं, ये किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। तार, बिजली के तार हमने देखे हैं, इनसे भी बिजली के तारों से कई बार पक्षियों की भी जान चली जाती है, और जैसे बारिश का मौसम आने वाला है तो बच्चों के करंट लगने का काफ़ी खतरा रहता है इसमें। फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल, तभी तो नंबर 1 है द एंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए।